अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मैं पीएचडी स्कॉलर इकोनॉमिक्स हूँ। तो आज मैं आया हूँ बेलारूस में, यहाँ पे इनकी नेशनल एजेंसी में। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि बेलारूस के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो कैसे हैं और कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाई वी हैव टू इन्वेस्ट इन द बेलारूस, कि हमने बेलारूस में जाना क्यों है। सबसे बड़ी बात, इसका फेवरेबल जियोग्राफिक लोकेशन है। इसके साथ तीन शेंगेन कंट्रीज हैं, पोलैंड, लेटविया, लिथुआनिया, एक साइड पे यूक्रेन और दूसरी साइड पे रशिया है। बहुत ही वेल डेवलप्ड, ज़बरदस्त किस्म की इसकी इकोनॉमी है, बहुत अच्छे लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्स बहुत बेस्ट है, नेचुरल रिसोर्सेज इसके पास बहुत हैं, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसके पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इसका एजुकेशन सिस्टम बड़ा अच्छा है और इसके अलावा इसका वेदर कंडीशन बहुत अच्छा है। सो इट्स द प्रेफरेंशियल रीजन्स फॉर ऑल द सारी जो बड़ी कंपनी हैं उनके लिए यहाँ पर मौजूद है। अब सबसे बड़ी बात अगर हम देखेंगे कि इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन पे अगर हम आ जाएँ तो इसका 70% GDP जो है वो एक्सपोर्ट होता है। करेंसी भी इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक डॉलर जो है वो 2.6 बेलारूसियन रूबल के बराबर है। रशियन और बेलारूसियन दो जबानें बोली जाती हैं। 2,07,600 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, 9.2 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है, मीन्स इसका कैपिटल है, 6 एयरपोर्ट हैं कंट्री में, 77.9% इसकी पॉपुलेशन शहरों में रहती है और 68.2 बिलियन इसका नॉमिनल GDP है। और ये एक कंट्री जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये दुनिया के बाकी जो 180 कंट्रीज हैं, ये वाला बाकी 180 कंट्रीज़ के साथ एक्सपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात है, ये डेवलप्ड इकोनॉमी कैसे है कि जो सबसे बड़ा डंपर ट्रक है वो भी इन लोगों ने बनाया हुआ है और हर एक में जो बच्चा है यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन से आप देख सकते हैं कि एस्ट्रोनॉट, वांट टू बिकम अ प्रोग्रामर, इनकी एजुकेशन सिस्टम इस कंट्री का और रहने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। दूसरी बात ये है कि अगर हम इसके FDI के बारे में बात करेंगे तो बेलारूस का FDI हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो वसी है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो FDI इस कंट्री का बहुत ही अच्छा है। देखें 2020 से 2025 तक 1.4 से लेके 3 तक चला गया। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में आप इसकी इंडस्ट्री में कर सकते हैं, IT सेक्टर में, टूरिज्म में, फाइनेंशियल सेक्टर में। इसके अलावा ये बाकी कंट्रियों के जो इसमें इन्वेस्टमेंट है, सबसे ज़्यादा रशिया की, साइप्रस की, ऑस्ट्रेलिया की, UAE, जर्मनी, लिथुआनिया, US, इवन दो के सारे जितने बड़े कंट्रीज हैं सभी ने इस कंट्री में इन्वेस्ट किया हुआ है। और ये इनका FDI का इनफ्लो है जो कि पोलैंड और लिथुआनिया, ये इतनी इनकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, ग्राफ आप देख सकते हैं। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स की अगर हम बात करें तो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो HDI रैंक 53 पे आता है बेलारूस, और इसकी बेलारूस की जो है वो 25 फेवरेबल मदरहुड, बेलारूस इन द टॉप 25 कंट्रीज फेवरेबल फॉर मदरहुड। और इसके अलावा बेलारूस टॉप 20 फॉर सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, इकोनॉमिक फ्रीडम है इसके अंदर, फिजिकल हेल्थ, टैक्स बर्डन नहीं है, टैक्स फ्रीडम है, बिजनेस फ्रीडम है, 150 प्लस जो है वो फॉरन कंट्रीज हैं और फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इन एक्सेस इन प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन टू द मेडिकल सर्विस। सो ई गवर्नमेंट डेवलप्ड, बेलारूसियन इज द 14th नंबर, लटविया, अमेरिका एंड किर्गिस्तान इज द 85th, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यू कैन सी दैट बेलारूस एट 53, और जॉर्जिया, यूक्रेन, अजरबैजान इसके बाद आते हैं, और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भी ये 36 नंबर पे आते हैं, जबकि रोमानिया, रशिया, कजाकिस्तान इसके बाद आते हैं। और ये अच्छी है, दुनिया की पहली जगह है मेडिकल फैसिलिटीज की, फर्स्ट प्लेस है इन द वर्ल्ड रेटिंग पॉपुलेशन टू द मेडिकल सर्विस के लिए। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें दोस्तों, तो नेचुरल रिसोर्सेज में जो बेलारूस के लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनके मुताबिक जो टेरिटरी स्ट्रक्चर है बेलारूस का, वो 43% है एग्रीकल्चर, 40% फॉरेस्ट पे है, 11% इसकी नॉर्मल ज़मीनें हैं और 11% अदर लैंड है। इसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड स्ट्रक्चर इसका बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, वेदर कंडीशन बहुत अच्छी है, पानी भी यहाँ का बेहतरीन है, और यकीन माने चाहिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन सिटी है, लाइक जैसे हमारा इस्लामाबाद है, प्योर इस्लामाबाद, जो बकवाड़ एरिया इस्लामाबाद पर वो नहीं बात कर रहा, जो प्योर इस्लामाबाद है वो। दूसरी बात है, इस कंट्री के अंदर फॉरेस्ट बहुत अच्छे हैं, इसको यूरोप का फेफड़ा बोला जाता है, और इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार में लकड़ी की एक्सपोर्ट भी करते हैं बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को। इसके बाद अगर हम अगली बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ बेलारूस के अंदर सबसे पहले तो पेट्रोलियम है, इनका अपना ये बहुत ज़्यादा 44.6 मेट्रिक टन इनके पास पेट्रोलियम के हैं, और फिर इनके पास पीट मॉस, ये भी एक खाद होती है, चाक एंड मार्बल का भी है, बिल्डिंग स्टोन का है, रॉक साल्ट इनके पास है, पोटाशियम है, सल्फर है, बिल्डिंग सैंड है, डोलोमाइट है। तो इन शॉर्ट इस कंट्री से कोई भी बंदा अगर ये कोई चीज़ इम्पोर्ट करना चाहता है
अपने कंट्री में तो वो कर सकते हैं, या इधर बैठ के बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकता है। अब इसके बाद जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो इस कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, फॉस्फेट है, ब्राउन कोल है, ऑयल शेल है, जिप्सम, कोलिशियम, आयरन और ये भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं बेलारूस के अंदर। प्रेफरेंशियल रिजीम्स में कि इसके एग्रीमेंट्स हैं म्यूचुअल प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट के 1874, अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन है, लॉ पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप ऑन 31 दिसंबर, एंड लॉ ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ जुलाई 2013। सो प्रेफरेंशियल रिजीम इज द इनकम टैक्स, लैंड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। इनकम टैक्स 18% है, लैंड टैक्स 0% है, प्रॉपर्टी में 1% है, जनरल और स्मॉल टाउन में 0 है। इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल 13% है, स्मॉल टाउन में 0 है। 20% वैट ऑन कस्टम ड्यूटीज एंड 0% ऑन स्मॉल टाउन्स। वीजा फ्री रिजीम 30 डेज इन जनरल एंड 180 डेज इन द ग्रेट स्टोन एंड सेफ्टी रिजीम जो है उसका ग्रेट स्टोन है। अगर आप बेलारूस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं ये नीचे लिख के अपना नंबर दे दूंगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आपको वीज़ा से लेके आपको यहाँ तक बुलाना और यहाँ पर आपकी कंपनी सेटल करवाना, ये सारी सर्विसेज जो है वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रहायश का कोई मसला नहीं है, आपके लिए दफ्तर लेना है, आपने कंपनी फॉर्म करनी है, आपने बिजनेस करना है, आप इधर बिजनेस करके आगे कहीं और जाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो मल्टीपल आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के जो सेक्टर से वहाँ काम कर सकते हैं। हाईटेक पार्क एक बहुत ही बड़ा इनका प्रोजेक्ट है इंडस्ट्रियल स्टोन के नाम से। तो ये जो कंपनी हम ज्वाइन कर रहे हैं 180 है, STP शेयर GDP, और इसके अलावा जो 101 कंपनीज हैं वो सेंटर ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज हैं। इसके अलावा ये सारी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। ग्रेट स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क में आपको ये ज़मीन फ्री में देंगे, आपके टैक्स नहीं लेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है इन्वेस्टर्स के लिए कि जितना कमाए सारा आप अपने घर में लेके जा सकते हैं। 10 साल तक के लिए आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल है, कोई टैक्स नहीं होगा और फ्री कस्टम रजीम होगी। सो मोस्ट कन्वीनियंट कंडीशन डूइंग बिजनेस इन द बेलारूस इज ग्रेट स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क। एंड फ्री इकोनॉमिक जोन इज द कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 0.5 मिलियन यूरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और इस पर इनकम, प्रॉपर्टी, वैट, कस्टम ड्यूटीज, हर चीज़ आपके लिए है 0%, यानी कि जो कमाओ सारा आपकी जेब में। और इसके बाद जो इन्वेस्टमेंट करंटली एम्प्लॉयमेंट है इनकी, ये सारी उसका पाई चार्ट बना हुआ है। 44.8% जो है वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में है, 6.9 ट्रांसपोर्ट में है, बाकी जो है आप कंस्ट्रक्शन और अदर ट्रेड सेक्टर्स में काम कर रही है। इसके अलावा जो ये 0% इनकम टैक्स है रियल एस्टेट में, वैट एंड कस्टम, इम्पोर्ट ड्यूटी डिवाइडेड, ये इनका नया इकोनॉमिक जोन बन रहा है रशिया के साथ, जो कि पूरे इधर से यूक्रेन को और इधर लटविया, लिथुआनिया और पोलैंड इन कंट्रीज को सप्लाई दे रहे हैं। ये जैसे हमारा पाकिस्तान में सी पैक है ना, ऐसे ये बेलारूस का सी पैक है, यूँ समझ लें आप इसको, यहाँ तक कि ये बड़े ही गहरे के साथ हमारा उसमें पोलैंड जाना तो यहाँ से ऐसे ही जैसे हम पिंडी से इस्लामाबाद चले जाते हैं। और ये बड़ी कंपनियां हैं, देखेंगे बड़ी कंपनी लाइक नेस्ले है पाकिस्तान में भी, इधर भी उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, यूनिलीवर है, सीमेंस है, गूगल है, तो ये सारी बड़ी कंपनियां हैं, मैरियट है। तो आप देख सकते हैं कि इन सारी बड़ी कंपनीज में यहाँ पे भी किया हुआ है इन्वेस्ट और ऑलरेडी ये कर रही हैं, बहुत ही ये अच्छा और फेवरेबल लोकेशन है बिजनेस के लिए। तो ये हमारे जो है वो अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप इस पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और सेकेंडली ये हमारा रोड मैप है, ये प्रपोजल्स दी गई हैं, ये अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट की प्रपोजल चाहिए, या आप यहाँ पे ज़मीन खरीदना चाहते हैं, या आप घर या प्रॉपर्टी लेके यहाँ पे फैमिली के साथ शिफ्ट होना चाहते हैं, आप यूनिट TRC या TRP, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू फॉर योर पेटेंस। अगर आपको किसी भी किस्म की बेलारूस में सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, वीज़ा चाहिए आपको, आपको रहायश चाहिए यहाँ पे, आपको जॉब चाहिए यहाँ पे, आपको कंपनी फॉर्म करनी है, वो बिज़नेस करना है, तो हम हर तरह पे आपकी जो है वो मदद करने के लिए तैयार है, ठीक है। मेरा नंबर नीचे मैं लिंक में व्हाट्सएप में ले लूँगा, अपना नंबर आप मुझे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन काइंडली मुझे वही लोग कॉन्टैक्ट करें जो अपना काम लीगल वे से यहाँ पे आना चाहते हैं और लीगल वे से रहना चाहते हैं। फजूल किस्म की जो मुझे है ऑफर्स देके मेरा और अपना टाइम वेस्ट मत करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।